राजपूताना पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अपन पिछली क्लास में प्रथम कोटि के जो आंशिक अवकलन थे, प्रथम क्रम के जो आंशिक अवकलन थे उनके बारे में पढ़ा था, आंशिक अवकल गुणांक के बारे में पढ़ा था, उनकी डेफिनेशन पढ़ी थी, उनका मैथमेटिकल रूप पढ़ा था और जो उनके लिमिट के रूप में दर्शाते हैं वो भी अपन ने चर्चा कर ली थी उसके बारे में। नेक्स्ट है अपने पास कि द्वितीय कोटि के जो ये द्वितीय क्रम के जो आंशिक अवकल गुणांक हैं वो आंशिक अवकल के तो को बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल गुणांक या आंशिक अवकलज। तो देखो इसके लिए अपने पास जो पीछे का पढ़ लिया प्रथम अवकलन, यदि अपने पास क्या हो जेड इक्वल टू क्या होगा फंक्शन ऑफ एक्स वन, अपन क्या मान ले दो चर वाला फंक्शन कि जेड इक्वल टू क्या है फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तब एक्स के सापेक्ष अपन इसका अवकलन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, बताओ ये लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स लिखेंगे या क्या लिख सकते हैं इसको एफ एक्स भी बताया था वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन गुणांक को क्या लिखेंगे डेल जेड बाई डेल वाई, वही क्या लिख सकते हैं इसको एफ वाई, ये हुआ एफ वाई। तो शोर सी बात है निश्चित है जेड जब फंक्शन एक्स वाई का है और डेल जेड बाई डेल एक्स, यदि ये भी क्या हो डेल तब जेड डेल बाई डेल एक्स या एफ एक्स व डेल जेड बाई डेल एक्स व एफ वाई भी किसके फलन हो क्रम से क्रम से नहीं भी किसके हों एक्स व वाई की फलन हो, क्योंकि अपन सेकंड डेरिवेटिव तभी तो निकालेंगे जब क्या होंगे वो एक्स और वाई के फलन होंगे, यदि इनकी वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाती है तो कॉन्स्टेंट का तो अवकलन करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। तो इनका पुनः आंशिक अवकलन किया जा सकता है, तो इनका क्या करेंगे पुनः आंशिक पुनः आंशिक अवकलन किया जा सकता है। तो जेड बराबर क्या हो एफ ऑफ एक्स वाई ये बताया गया था अपन ने पेंस, तो अपन क्या है डेल जेड बाई डेल एक्स लिखते थे इसको डेल जेड बाई डेल एक्स, और यदि इसका अपन क्या करें एक्स के सापेक्ष वापस अवकलन करें डेल बाई डेल एक्स तो क्या हो जाएगा इसका डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाई क्या हो जाएगा डेल एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार डेल वाई
डेल वाई के साथ एक्स करें क्योंकि एक्स और वाई का दोनों का फलन है, डेल जेड वाई डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा अपने पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल, ये इसके क्या हो जाएंगे फंक्शन हो जाएंगे, यदि जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई हो, एक्स और वाई का फलन हो, और तब डेल जेड बाई डेल एक्स, इसको किससे डिनोट करते हैं अपन एफ एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई, और इसको भी किससे डिनोट करते हैं एफ वाई से, भी यदि किसके फंक्शन हो अपने पास एक्स और वाई के फलन हो, तब इनका भी क्या कर सकते हैं अपन पुनः आंशिक अवकलन किया जा सकता है, और जब इनका पुनः आंशिक अवकलन होगा तो किस प्रकार से लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई डेल अपॉन डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, या फिर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल। सिमिलरली इसी प्रकार से अपन कर सकते हैं वाई के लिए, नॉट तो सिमिलरली इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं डेल टू एक्स जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, इसी प्रकार डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर भी निकाल सकते हैं डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, तो उससे पहले अपन एक बार इसको नोट कर लो, तो नोट हो गया भाई। अब देखो नोट हो गया, तो इसके बाद देखो ये था जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई, इसका अपन एक्स वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डेल जेड अपॉन डेल, और डेल जेड अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होगी क्या होगी अपने पास डेल एफ अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं, या दोबारा से किसका किसके सापेक्ष करें अपन डेल जेड अपॉन डेल वाई, वाई के सापेक्ष करेंगे तो, और इसी को क्या लिख सकते हैं अपन एफ ऑफ वाई। अब यदि किसका करें अपन डेल जेड अपॉन डेल वाई, ये तो क्या होगा इसका प्रथम अवकलन, तो इसी का जो द्वितीय क्रम का आंशिक अवकलन होगा ये द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलन, देखो क्या होगा जो कि ये किसका फलन है एक्स और वाई दोनों का फलन डेल, तो अपन एक बार किसके सापेक्ष करें डेल अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष,
डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो क्या हो जाएगा अपने पास, डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई और डेल वाई डेल एक्स वाई डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर जो ये पावर कितनी है, दो आ रही, इसका मतलब भी क्या हो गया, द्वितीय कोटि का आंशिक अवकलज, ये द्वितीय क्रम के आंशिक अवकलज। तो इस प्रकार अपन ने अब तक की पहले क्लास में क्या पढ़ा, पेपर पढ़ रहे थे अपन अवकलन गणित सेकंड, उसके अंदर अपन ने स्टार्ट किया यूनिट सेकंड में आंशिक अवकलन, अवकलन क्या होता है, आंशिक अवकलन क्या होता है, इनमें डिफरेंस बताया, आंशिक अवकलन की डेफिनेशन, आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन गुणांक और उसके बाद द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन गुणांक, पार्शियल डिफरेंशियल जो कौन उसमें क्या रहता है आश्रित चर है, कौन उसमें डिपेंडेंट चर है, इनके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। तो नोट कर लो एक बार इनको, अब अपन पढ़ेंगे इसमें क्वेश्चंस आंसर जो अपने पास 5.1 एक्सरसाइज है, अब एक्सरसाइज में चलेंगे अपन। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने से पहले मैं कुछ एग्जांपल अभी करवाता हूँ आपको, वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस तो देखो, जो अपने पास प्रथम कोटि के जो आंशिक अवकलन है और जो द्वितीय कोटि के जो आंशिक अवकलन है उनको सोल्व करना। अभी जो आंशिक अवकलन हो जाएगा इसके पश्चात अपन इसमें पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे आयलर थ्योरम और फिर उसके बाद में है इसी यूनिट में संपूर्ण अवकल गुणांक। तो पहले आंशिक अवकलन के क्वेश्चन है, आंशिक क्वेश्चन दे रखा है अपने को, मान लिया जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई है प्लस थ्री वाई स्क्वायर, ये दे रखा है। देन फाइंड डेल टू जेड वाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड वाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल, ये तीनों अपने को ज्ञात करने, ये दे दिया हो जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर, देन डेल टू जेड बाई देन फाइंड दैट डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये अपन तभी कर पाए जब अपने को ये पता होगा कि फंक्शन जो किस प्रकार का दे रखा है, जेड क्या दे रखा है अपने को, फंक्शन किस में है एक्स और वाई की, यानी कि एक आश्रित चर के सापेक्ष क्या है दो स्वतंत्र चर है, तो इसका क्या होगा आंशिक अवकलन गुणांक। आंशिक अवकलन के लिए कौन सा आंशिक अवकलन निकलवा रहे, अभी अपन ने बताया था द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलन, तो इनके लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहला जो अभी करवाया था डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर ये था,
तो ये निकालने के लिए अपन इसका किसके सापेक्ष करेंगे, डेल बाई डेल एक्स का डेल जेड बाई डेल, ये तभी निकाल पाएंगे जब अपने पास क्या वैल्यू होगी, डेल जेड बाई डेल एक्स। और डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे निकालेंगे, जो समीकरण नंबर इसको डाल लेते हैं एक, समीकरण एक का क्या करेंगे अपन एक्स के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो अपने पास क्या आएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का मान आएगा, फिर उसका क्या करेंगे दोबारा से एक्स के सापेक्ष। अपने डेफिनेशन में लिखाया था कि जो एक बार अपने पास अवकलन आए प्रथम क्रम का प्रथम कोटि का, उसका पुनः आंशिक अवकलन किया जाता है। देखो जेड इक्वल टू क्या था अपने पास, एक्स क्यूब वाई, ये साइड में करते हैं अपन, प्लस 3y² प्रथम कोटि अवकलन निकालेंगे डेल जेड बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा क्योंकि अपन किसके सापेक्ष कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और एक्स के सापेक्ष जब अपन अवकलन कर रहे हैं तो वाई क्या रहेगा इसके सापेक्ष नियत रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, तो क्या आ जाएगा इसका एक्स क्यूब का 3x² वाई कॉन्स्टेंट है तो ऐसे कैसे, प्लस 3y² का करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जीरो। इसी प्रकार यदि अपन क्या निकाले इसका डेल जेड अपॉन डेल वाई निकाले वाई के सापेक्ष करें तो एक्स क्यूब तो ऐसे कैसे रहेगा, वाई का वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 6y। दोनों अपन ने क्या कर लिया निकाल ली, अपने को तो क्या फाइंड आउट करना है डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू वाई अपन डेल वाई स्क्वायर और डेल टू जेड अपन डेल एक्स डेल वाई। तो देखो डेल अपन डेल एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स की वैल्यू देखो क्या है 3x² वाई रखेंगे अपन, जब 3x² वाई एक्स के सापेक्ष तो क्या होगा बताओ, वाई तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है क्या हो जाएगा 6xy, क्या हो जाएगा 6xy। इसी प्रकार अपन डेल टू जेड वाई डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा डेल अपॉन डेल वाई डेल जेड बाई डेल वाई, और डेल जेड बाई डेल वाई की वैल्यू अपने निकाल रखी है पहले, क्या है पहले तो क्या करेंगे डेल अपॉन डेल वाई और इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 6y, ये है इसकी वैल्यू। तो यहाँ तो केवल किसका फंक्शन था बताओ, एक्स का ही, एक्स और वाई गुणा में थी, यहाँ पर एक्स और वाई के फंक्शन है, अवकलन कर रहे हैं वाई के सापेक्ष, और अवकलन भी कौन सा कर रहे हैं अपन आंशिक अवकलन कर रहे हैं, दो चर दे रखे हैं तो आंशिक अवकलन करते हैं तब क्या करें, जिसके सापेक्ष कर रहे थे वो तो क्या होता है वेरिएबल होता है चर होता है, और जिसके सापेक्ष नहीं कर रहे वो क्या होगा उसका क्या होगा अपने पास कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो यहाँ पर वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई तो क्या होगा वेरिएबल हो जाएगा और एक्स क्या होगा कॉन्स्टेंट, तो अपने पास क्या होगा इसका तो क्या हो जाएगा जीरो, और इसका करेंगे तो क्या आएगा 6, जीरो हो जाएगा। और इसी प्रकार अपन डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाल सकते हैं, तो अपन एक कोई भी ले ले पहले डेल वाई डेल एक्स कर ले, और इसका किसका डेल जेड वाई डेल वाई, क्योंकि ये क्रम इनमें नियम का पालन करता है, ये भी अपन आगे समझाएंगे आयलर प्रमेय। तो डेल जेड बाई डेल वाई करेंगे अपन, देखो डेल जेड बाई डेल वाई की ये वैल्यू रही है अपने पास क्या है डेल अपॉन डेल एक्स एक्स क्यूब प्लस 6y, और बताओ इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x²
क्या आ गया 3x। तो अपन बताओ इस प्रकार क्या निकाल सकते हैं, इसी प्रकार अपने को क्वेश्चन करने हैं, सेम इसी प्रकार से अपने पास क्या आएंगे, बस उनका स्टैंडर्ड थोड़ा क्या होगा, हाई लेवल का होगा। तो अपने पास आंशिक अवकलन ये क्या हो गया, द्वितीय कोटि की प्रथम कोटि क्या हो गया, ये हो गई द्वितीय कोटि। डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी, डेल जेड बाई डेल एक्स की डेल जेड बाई डेल, नोट कर लो इसको।